जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है चेतन और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे सीजी रिसेटलमेंट चैनल पर। दोस्तों आज हम आपको 2016 से पहले रिटायर हुए जो डिफेंस पेंशनर या सिविल डिफेंस पेंशनर है और जिनका पेंशन डेटा स्पर्श पर माइग्रेट हो चुका है, पेंशन आईडी भी मिल चुकी है लेकिन अभी तक यूजर आईडी और पासवर्ड और स्पर्श का पीपीओ नंबर उन्हें नहीं मिला है, तो इसमें क्यों देरी हो रही है और ये कब तक आपको मिलेगा, इसके बारे में ही आज हम बात करेंगे। तो इस जानकारी में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे एक गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ ताकि एक सर्विसमैन भाइयों से जुड़ी ऐसी ही नई वीडियोज़ सबसे पहले आपको मिलती रहे। दोस्तों 2016 के बाद जो रिटायर हुए थे उनको बैंक से माइग्रेशन का मैसेज आने के बाद कुछ ही दिनों में यूज़र नेम और पासवर्ड मिल जाता है, पर जो डिफेंस पेंशनर 2016 के पहले रिटायर हुए थे उनको बैंक से माइग्रेशन का मैसेज तो आया है पर अभी तक उनको स्पर्श का यूज़र नेम, पासवर्ड और स्पर्श का पीपीओ नंबर नहीं मिला है। तो आप जानते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। दोस्तों जब किसी पेंशनर का डेटा बैंक से माइग्रेट करके स्पर्श पोर्टल पर डाला जाता है तो वहाँ पर उस डेटा की पूरी डेटा एंट्री की जाती है और ये डेटा एंट्री का काम बहुत ही सावधानी से किया जाता है। और दोस्तों 2016 से पहले रिटायर हुए डिफेंस पेंशनर की तादाद लाखों में है, इसलिए जायज़ है कि काम में थोड़ा सा समय तो लगेगा ही। ये डेटा एंट्री और वेरिफिकेशन का काम होते ही आपको स्पर्श की तरफ से यूज़र नेम और पासवर्ड और पीपीए नंबर मिल जाएगा। दोस्तों जब 2016 के बाद वाले डिफेंस पेंशनर का डेटा स्पर्श में माइग्रेट हुआ था तब उसमें कई ज़्यादा लोगों के आधार नंबर, पैन कार्ड नंबर और कई ज़्यादा डिटेल्स अपडेट नहीं हुए थे। और दोस्तों पैन कार्ड नंबर अपडेट ना होने के कारण जिन डिफेंस पेंशनर का इनकम टैक्स के अंडर आता है उनका 20% तक का TDS काट लिया गया। तो दोस्तों इन सब चीज़ों की वजह से लोग स्पर्श को लेकर लगातार शिकायतें कर रहे थे, पर दोस्तों पेंशनर्स अगर अपनी जानकारी अपडेट करने पर ध्यान देते तो उनको इन मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता। अभी दोस्तों PCDA ने स्पर्श में काफ़ी सुधार कर दिया है तो शायद अभी स्पर्श के कर्मचारी 2016 के पहले वाले जो डिफेंस पेंशनर हैं उनके लिए बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। दोस्तों आपको बता दूं कि अभी तक 11 लाख से भी ज़्यादा डिफेंस पेंशनर स्पर्श में माइग्रेट हो चुके हैं और जब से स्पर्श शुरू हुआ है तब से 11 महीने में 5.5 लाख से ज़्यादा पेंशनर स्पर्श में माइग्रेट हो चुके हैं। पर दोस्तों अभी सिर्फ अगस्त के एक महीने में 5,60,000 के ऊपर पेंशनर का डेटा स्पर्श में माइग्रेट किया गया, तो सोचिए दोस्तों कि स्पर्श के कर्मचारियों पर कितना ज़्यादा प्रेशर होगा। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों की वजह से आपका स्पर्श का यूज़र नेम और पासवर्ड और PPO नंबर आने में देरी हो रही है। उसी के साथ एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि अगर आप पुराने PPO नंबर से आपका लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर रहे हो तो उसका अभी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि दोस्तों स्पर्श में लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने के लिए आपको नया स्पर्श का PPO नंबर लगेगा। आपको डिस्बर्सिंग एजेंसी चेंज करके CPPC की जगह स्पर्श PCDA डालना है। आपको सैंक्शनिंग अथॉरिटी चेंज करनी पड़ेगी और ये सब बदलाव करके आप लाइफ सर्टिफिकेट जमा करोगे तो आपकी पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों ये थी स्पर्श के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। और दोस्तों अगर आप एक सर्विसमैन हो तो हमारा एंड्रॉयड ऐप भी ज़रूर डाउनलोड कीजिए जिसका नाम है CG रिसेटलमेंट। इस ऐप में आपको एक सर्विसमैन रिलेटेड जॉब और न्यूज़ की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पे मिलती रहेंगी। तो गूगल प्ले स्टोर से या नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड करें CG रिसेटलमेंट ऐप। साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।